नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर, यानी कि लालू प्रसाद यादव जहां पर अभी रांची के रिम्स में हैं, उसके बाहर लोगों का जुटान भी शुरू हो गया है। भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। जी हां, भले ही लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं, रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं और फिलहाल तबीयत खराब होने की वजह से रांची के रिम्स में हैं, लेकिन बिहार और झारखंड की राजनीति की धुरी बने हुए रहते हैं लालू प्रसाद यादव। महागठबंधन में क्या कुछ होगा, महागठबंधन के कौन उम्मीदवार होंगे, कितनी सीट शेयरिंग होगी, इन तमाम मुद्दों पर अंतिम मुहर सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही होता है और इसकी वानगी एक बार फिर से रिम्स के बाहर देखने को मिल रही है। रांची स्थित रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चुनावी टिकट की चाह में मिलने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बुधवार की सुबह रिम्स में स्थित केली बंगले के गेट पर 150 से लेकर 200 नेता और उनके समर्थक लालू प्रसाद से मुलाकात की उम्मीद में पहुंचे थे। राजद सुप्रीमो से एक बार मुलाकात और सिर्फ टिकट के आश्वासन के लिए जुटे इन नेताओं में से कितनों की मुलाकात हो पाती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन पिछले महीने दो महीने से नेताओं और चुनावी टिकट चाहने वाले हर रोज यहाँ हाजिर होते हैं। इन नेताओं में वर्षों से काम कर रहा कोई नेता होता है तो कोई लालू यादव के साथ उनके संघर्ष के दिनों में काम करने वाले अपना अपना दावा करते दिखाई देते हैं। बुधवार को केली बंगले के बाहर भी करीब 150 से ज्यादा राजद नेता जमा थे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को अपने अपने नामों की पर्ची देते नजर आए। सबके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि एक बार राजद प्रमुख लालू प्रसाद की नजरें इनायत हो जाए तो उनका आना सफल हो। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के मामले में रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रांची के रिम्स में रखा गया है। लालू प्रसाद से मिलने की जुगत लगाने वाले नेताओं में सिर्फ राजद के कार्यकर्ता और नेता ही नहीं होते, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे टिकटार्थी भी यहाँ अक्सर नजर आते हैं। पिछले महीने बॉलीवुड एक्टर अली खान भी शेरघाटी विधानसभा सीट से टिकट की चाह में लालू प्रसाद से मिलने रिम्स पहुंचे थे। तो लालू प्रसाद से मिलने के लिए और टिकट की चाह में लालू प्रसाद से मुहर लगवाने के लिए कई सारे लोग अभी वहां पर मौजूद हैं और जमावड़ा हो चुका है। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव भी दरबार लगाते नजर आते हैं। जो भी महागठबंधन को लेकर फैसला होता है वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही करते हैं, इसलिए सभी बड़े बड़े नेता लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुँचते हैं और उन्हीं से सीधे बातचीत होती है। आपको याद होगा कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की पार्टी है JMM, वो भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और इसके मद्देनज़र उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, सीट बंटवारे पर बातचीत हुई थी कि आखिर कितनी सीटें इस बार JMM को महागठबंधन की तरफ से मिलेगी। हालांकि उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मतलब ये साफ हो चुका है कि भले ही राजनीतिक परिदृश्य से लालू प्रसाद यादव गायब हों, लेकिन ट्विटर के जरिए वो एक्टिव होते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं और इसके अलावा महागठबंधन के सभी बड़े नेता उन्हीं से ही राय मशवरा करते हैं और महागठबंधन का अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव का ही होता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।